Hello everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ जयंती और मेरे चैनल में स्वागत है जयंती एल बोरो में और आज मैं दिखाने जा रही हूँ बैम्बू सूट ड्राई इसको कैसे बनाते हैं और इसको कुकिंग करके भी दिखाने वाली हूँ. ये बैम्बू सूट हमारे घर में ही था और मुझे ये काटना नहीं आता है सो मैंने मम्मी को कहा कि ये साफ़ कर देने के लिए सब ये मम्मी साफ़ कर रहे हैं. देखिए इसका छिलका निकालने के बाद ये ऐसा हो जाता है और ये अंदर का पार्ट है जो बहुत ही सॉफ्ट है और इसको ही हम खाते हैं. ऊपर का जो छिलका था उसको फेंक लेना चाहिए. सो ये मम्मी ने मुझे रेडी करके ये हो गया ऊपर का छिलका साफ़. अभी मैं इसको थोड़ा धुलाऊँगी पानी से ताकि ऊपर का जो डर्ट है वो चला जाए और उसके बाद में काटने वाली है इसको. इसको बहुत ही पतला पतला काटना होता है. देखिए इतना पतला करके काटना है ज़्यादा मतलब ठीक नहीं रखना है. ठीक रखने से जल्दी सूखता नहीं है सो इसको पतला पतला करके अच्छे से काटना है. सो इसे डायरेक्शन में लेके काटना है. देखिए नीचे की तरफ से काट सकते हैं आप. तो कितना बड़ा चाहिए आपके अनुसार. आपको लंबा लंबा खाना है तो लंबा भी कर सकते और ये छोटा छोटा भी कर सकते हैं. इसे करके काटिए. ये काट के रेडी हो गया है. अब ये इसको मैं बॉयल करने वाली हूँ. मैंने एक बर्तन में पानी भी लिया हुआ है इसमें अभी मैं बॉयल करूँगी. सो इसको डाल के ज़्यादा पानी नहीं देना थोड़ा सा देना. ये सब मैंने अभी बर्तन में रख दिया है और मैंने गैस पे बैठा लिया है. अभी इसको गैस ऑन करके रखने वाली हूँ 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं. देखिए अभी मैंने 5 मिनट के बाद इसको निकाल रही हूँ. देखिए ये कैसा दिख रहा है. इसका कलर निकल गया है क्योंकि ये कड़वा होता है थोड़ा सा. बॉयल करने से इसका कड़वाहट सब निकल जाता है. सो इसको अच्छे से नहीं पकाना है जस्ट थोड़ा सा कड़वाहट निकलने के लिए बॉयल करना है. सो ये मेरा अभी हो गया. इसको मैं बाहर निकालने वाली हूँ. मैं ये छलनी में निकालने वाली हूँ. बहुत ही गर्म होता है सो केयरफुली इसको डालना पड़ता है. देखिए पानी भी बहुत गर्म होता है. पानी सूखने के लिए थोड़ा देर रखना होता है और थोड़ा ठंडा होने से इसको मैं सुखाऊँगी अभी धूप में. अभी मैं इसको यहाँ पर सुखाने वाली हूँ. देखिए अच्छे से इसको रखना है ताकि ये जल्दी से सूख जाए. अगर आपको बड़ा जगह तो किक करके रख सकते. सो अभी ये मेरा धूप में रखने के लिए रेडी हो गया. इसको मैं 2-3 दिन तक सुखाऊंगी अच्छे से सूखने तक. ये देखिए मैं इसको आपको 3 दिन तक सुखाने के बाद दिखा रही हूँ. 3 दिन के बाद ये देखिए कैसा हो गया. बहुत ही क्रंची हो गया है. अभी इसको नहीं सुखाना पड़ेगा. अभी इसको स्टोर करके रख सकते हैं बॉयल में. खाना है तो खा भी सकते हैं. अभी मैं इसको कैसे बनाते हैं उसको बना के भी दिखा रही हूँ. सो अभी मैं वो बैम्बू शूट को ये चिकन से बनाने वाली हो जो मेरा हस्बैंड ने लाया था बाज़ार से. अभी मैं इसको अच्छे से कुक करके दिखाने वाली हूँ. अभी ये देखिए ये है बैम्बू शूट. अभी इसको हमें वॉश करना होगा क्योंकि ये सुखाने के टाइम में कुछ डस्ट वगैरह भी उड़ के आ सकता है. सो इसको अच्छे से धो लेना है. इस तरफ मैंने मीट को धो के रख दिया है और ये है इन्ग्रीडियंट्स. और यहाँ सब एक साथ पे रखा हुआ है. ये जीरा, यह है गरम मसाला और यह है रेड चिली, गार्लिक. इस तरफ ओनियन दो काट के रख दिया है. सो इस सब को भी मैं पेस्ट करूँगी एक्सेप्ट ओनियन. अभी मैं यहाँ पे पानी डाल रहा हूँ और इसको बहुत अच्छे से धोना है. स्क्विच कर करके धोना है. यहाँ पे वाइट वाइट क्या क्या निकलता है क्योंकि वो बहुत दिन सुखाया हुआ है. ये धोने के बाद थोड़ा फूल जाता है क्योंकि ये धूप में सुखाया था तो ये सूख गया था. अभी जब पानी मिल जाता है वो थोड़ा सा फूल जाता है. मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई बसाल दिया था. अभी वो मेरा कढ़ाई जो गर्म हो गया. अभी मैं यहाँ पे तेल डालने वाली हूँ. सो थोड़ा अच्छे से तेल डालना है. ये मेरा कढ़ाई गर्म हो गया. अभी मैं यहाँ पे ऑनियन डाल रही हूँ. तेल भी गर्म हो गया. इसको अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेना है. ऑनियन फ्राई होने के बाद मैं चिकन को डालूँगी. चिकन को थोड़ा फ्राई कर लूँगी. सो जैसे बनाते हैं सब वैसे बनाना है. सब्जी तो सबको बनाना आता ही होगा तो सेम प्रोसेस है. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. सो पहले चिकन को फ्राई कर लेंगे उसके बाद ही बैम्बू शूट डालेंगे. उसके बाद अभी हल्दी, नमक आपके टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं. सो ये मैं पहले इतना डाल रही हूँ. अगर चाहिए होगा तो मैं बाद में डाल दूँगी. इसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा फ्राई करना है और थोड़ा देर के लिए. अब ये मेरा फ्राई हो गया. अभी यहाँ पे मैं बैम्बू शूट डालने वाली हूँ. फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. दोनों को मिक्स करने के बाद थोड़ा टाइम फिर से इसको फ्राई करना होगा. थोड़ा अच्छे से इसको फ्राई करना है थोड़ी देर तक खुला ही. उसके बाद में इसको ढक लेना है थोड़ी देर के लिए.
ये मैंने ढक के रख दिया था, अभी मैं इसका ढक्कन निकाल रही हूँ। सो ये ढक्कन निकालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मसाला जो है मैंने पेस्ट करके रखा था वो सब यहाँ पे डालूँगी। उसके बाद यहाँ पे पानी डाल के फिर से थोड़ा देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। पानी जो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। सो यहाँ पे मैं इतना ही डाल के इसको अभी ढक के रख दूँगी। ये ढक्कन मैं थोड़ी देर बाद निकाल रही हूँ और ये देखिए ये पानी जो सूखने लगा है तो इसको सूखने देना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए थोड़ा मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करते रहेंगे। ये सूखने तक फ्राई करते रहेंगे। ये अभी मेरा सूख गया है इसका पानी, सो मैं इसको ड्राई फ्राई करने वाली हूँ। इसके लिए इतना सुखाया मैंने, सो मुझे इसका टेस्ट बहुत ही पसंद है। अगर आप लोग को पसंद तो आप लोग भी बना के खा सकते हैं। मैंने ये रेसिपी इसलिए शेयर किया क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। और देखिए रेडी हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर। बहुत टेस्टी है।